किस पैगंबर ने अपनी तख्लीक के बाद सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज कहें? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अबुल अंबिया किस पैगंबर को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, या डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। लोहा किस पैगंबर के हाथ में मोम की तरह हो जाता था? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, या डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ज़िरह किसने ईजाद की? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, या डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? आपके ऑप्शन है ये, ए इंजील, बी ज़बूर, सी कुरान मजीद, या डी तौरात। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी ज़बूर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने इंसान सवार थे? आपके ऑप्शन है ये, ए 100, बी 70, सी 40, या डी 50। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है सी 40।